मध्य प्रदेश के मंदसौर में श्रावण महीने के अंतिम सोमवार पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान श्री पशुपति नाथ की शाही सवारी ने नगर भ्रमण किया। सावन महीने के अंतिम सोमवार पर मंदसौर के भगवान पशुपति नाथ के मंदिर में विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। श्री पशुपति नाथ हर वर्ष की तरह राजसी ठाट बाठ के साथ मंदिर से रथ पर सवार होकर भक्तों का हालचाल जानने खुद नगर भ्रमण पर निकले। मंदिर परिसर में पशुपति नाथ महादेव को सशस्त्र सलामी दी गई। इस मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, सांसद सुधीर गुप्ता समेत के अग्रणी भी उपस्थित रहे। शोभा यात्रा में अखाड़े और झांकियों का कारवा आकर्षण का केंद्र बना। भोलेनाथ की कृपा बनी रहे सभी भक्तों का ऊपर, और मैं तो यही चाहती हूँ कि भोलेनाथ ने स्वयं बता दिया है कि मैं आया हूँ रक्षा करने के लिए सभी महिलाओं, रक्षा सूत्र बांधने के लिए सभी महिलाएं प्रेरित है कि हम भोलेनाथ को रक्षा सूत्र बांधेंगे, भोलेनाथ को ही हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। शाही सवारी में ढोल नगाड़े, विशाल नंदी पर सवार शिव पार्वती, अघोरी की झांकी, राधा कृष्ण, शिव पार्वती समेत की झांकियां देखने लोग हजारों की संख्या में उमड़ पड़े। वहीं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अखाड़ा कलाकारों के बीच तलवारबाजी का भी आनंद लिया। प्रसन्नता का दिन है क्योंकि कई वर्षों बाद श्रावण सोमवार रक्षाबंधन के दिन आया। आज के दिन भगवान पशुपतिनाथ जी की रजत प्रतिमा शाही सवारी के रूप में भगवान विराजमान होकर अपने विराजमान हो गए हैं और शहर में पधार रहे हैं।